नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। किसी भी कीमत पर बासौदा के हालात बिगड़ने नहीं दूंगा, जिलाधीश। दिशा निर्देशों का पालन करें, नहीं तो होगी कार्रवाई। कलेक्टर ने डीजे साउंड एवं मैरिज गार्डन संचालकों की ली बैठक, दिए दिशा निर्देश। दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम आयोजित करें। शादी समारोह में गार्डन में भीड़ ना बढ़ने पाए, ऐसा होने पर संचालक होंगे जिम्मेदार, होगी कार्रवाई। जी हां, जिले के कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन द्वारा गंज वासौदा में स्थानीय नगर थाना परिसर में एक बैठक आयोजित कर डीजे साउंड सिस्टम, बैंड एवं मैरिज गार्डन संचालकों को कोरोना संक्रमण महामारी के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधीश द्वारा सभी को बताया गया कि आप सबको विदित है कि एकाएक विदिशा जिले में कोरोना संक्रमण महामारी के मरीज बढ़ रहे हैं। अभी शादी का समय चल रहा है, ऐसे में मैरिज गार्डन संचालक दिशा निर्देशों का ध्यान रखें, जिससे कि गार्डन में शादी समारोह में भीड़ ना बढ़ने पाए। ऐसा ना होने पर संचालक जिम्मेदार होंगे और उन पर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हो सकता है। गंज बासौदा से इंडिया खबर लाइव के लिए एलन चौबे की एक रिपोर्ट। दुकानदार कोविड गाइडलाइन के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उसमें हमने फाइन 500 रुपये रखा हुआ है। और फाइन रिपीटेडली भी लग सकता है, ऐसा नहीं है कि एक बार 100 लगा अगले दिन आप मिले तो कल के फाइन पे आप छूट जाओगे। एक तो पहला फाइन है, दूसरा हमने आदेश में ही स्पष्ट उल्लेख किया और आज हमारे SDM साहब और पुलिस स्टाफ को भी समझा दिया है कि दुकान को तात्कालिक रूप से 2 घंटे बंद करने के पावर उसमें दिए गए हैं। इसको बंद करना एक काफ़ी सांकेतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज चला जाता है उससे, और उसको हम सख्ती से करेंगे। यही चीज़ जो यहाँ पे चर्चा की है, वही चर्चा उनसे की है और उनसे पूरा सहयोग मांगा है और सभी ने सहयोग का समर्थन का उल्लेख किया है इसमें।